सो आ गए हैं एक नए स्टॉल पर और ये है कॉस्मिक हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेट्रोलिंग पर्पस के लिए यहाँ में। हेलो सर, कैसे हो आप? वेरी गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। सर एक बार कंपनी के बारे में बताएंगे सर? हाँ जी, हमारी कंपनी जो है वो ग्लोबल एक्सीलेंस लिमिटेड है। ये 53 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनिट है उसका नाम है कॉस्मिक हीलर प्राइवेट लिमिटेड CHPL। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये चंडीगढ़ के पास अवेलेबल है, डेराबसी, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर अवेलेबल है। हाँ जी। अब सर इस पर आपने आज तक के जितने भी जगह पे पेट्रोलिंग होते हुए देखा होगा वो या तो कोई मैनुअल करता है या फिर बाइक्स पे करते हैं। अब मैनुअल जब करता है तो उसकी विजिबिलिटी लेवल 66 इंचेस होती है, लेकिन जब वो बाइक पे करता है तो उसकी और विजिबिलिटी लेवल कम होकर 61 इंचेस रह जाती है। लेकिन पेट्रोलिंग का जो मेन पर्पज़ है आपका 360 व्यू प्लस लॉन्ग डिस्टेंस आपकी विजिबिलिटी, तो इस व्हीकल को यूज़ करने से आपकी विजिबिलिटी लेवल 77 इंचेस हो जाती है। 77 विजिबिलिटी लेवल हो जाने से आपका व्यू लेवल, आई लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और 360 व्यू एक्सटेंड हो जाता है। अब आते हैं इसके साइलेंट फीचर्स के ऊपर। जो पेट्रोलिंग होती है या तो मैनुअल होती है, मैनुअल में कम एरिया कवर हो पाता है। जब आप बाइक्स पे करते हो तो एक्चुअली बाइक इज़ नॉट अ प्रॉपर पेट्रोलिंग व्हीकल। आपने बाइक का स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें 0 to 40 तो ऑरेंज रहता है, 40 to 80 ग्रीन रहता है, 80 एंड अबव इज़ रेड। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक विल कम इन टू 40 to 80। एवरेज भी अच्छा निकल के आता है बाइक का। एक्चुअली ना हमने काफ़ी सारे पुलिस एसोसिएशन से बात करी, काफ़ी सारे सीनियर ऑफिशियल से बात करी कि एक्चुअली पेट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पेट्रोलिंग के लिए एक व्हीकल डिज़ाइन करने की बात है। सो दिस इज़ द चैरियट विच इज़ डिज़ाइन टोटली फॉर पेट्रोलिंग पर्पस। अब इसका साइलेंट फीचर्स क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो आपका कोई फ्यूल कंजम्पशन नहीं है। हाँ, इसकी बैटरी की लाइफ 6 आवर्स है। तो एक बार की जो आपकी ट्रिप होती है, एक बार की जो पेट्रोलिंग टाइमिंग होता है, ये उसको कवर कर लेता है। सेकंड थिंग, इसके अंदर दो मोड है। हेलो, इसके अंदर दो मोड है, एक रैबिट मोड, एक टर्टल मोड। रैबिट मोड जो है ये थोड़ा सा हाई स्पीड के लिए है, जो अपने आप में नाम सजेस्ट करता है। टर्टल मोड जो है थोड़ा सा लो स्पीड के लिए है, ताकि आप कम स्पीड में सिर्फ पेट्रोलिंग करना चाहें। अब 8 किलोमीटर इज द रैबिट मोड स्पीड, टर्टल मोड इज समथिंग 4 किलोमीटर स्पीड। सो व्हाट इज़ द एवरेज? एवरेज इज कमिंग अराउंड 5 किलोमीटर्स। अगर आप 6 आवर की बैटरी लाइफ देखें तो 30-35 किलोमीटर्स की एवरेज ही निकाल देता है। तो 35 किलोमीटर का अगर पैच आप इससे कवर कर ले तो दैट इज़ अ गुड पेट्रोलिंग, आई थिंक सो, विदाउट एनी फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट ऑल्सो। अब इसके साइलेंट फीचर्स आप देखिए सर। सिंपल बैटरी ऑपरेटेड है, तो आपका सिर्फ इसके एक्सीलेट करने से और ब्रेक दबाने से कंट्रोल हो जाती है। अब पेट्रोलिंग के अंदर दो टाइप या तीन टाइप की पेट्रोलिंग्स होती है, तीन टाइप की पेट्रोलिंग। एक होती है साइलेंट पेट्रोलिंग, कि मैं सामने वाले को पता भी ना चलने दूँ और मैं उस जगह पे पहुंच भी जाऊं। सो दिस इज़ अ साइलेंट पेट्रोलिंग। हाँ बिल्कुल, आवाज़ नहीं हुई। बाइक फिर भी कुछ आवाज़ कर देगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, तो आप साइलेंटली कहीं पहुँच सकते हो। सेकेंड थिंग, विजुअल पेट्रोलिंग, कि लोगों को दिखे कि सामने पेट्रोलिंग हो रही है। थर्ड इज ऑडियो पेट्रोलिंग, टू टाइप ऑफ सायरन्स आर देयर। अनदर वन इज अनाउंसमेंट, हेलो हेलो हेलो। सो वॉट एवर द बेसिक नीड्स ऑफ पेट्रोलिंग इज देयर, दैट एवरी फीचर इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस। सो दिस इज अ टोटली कॉम्पैक्ट वर्जन फॉर अ पेट्रोलिंग व्हीकल। इट इज गुड फॉर आर्मी, इट इज गुड फॉर नेवी, इट्स गुड फॉर एयरफोर्स, एनी डिफेंस एजेंसी कैन यूज़ इट। इवन दो पुलिस पेट्रोलिंग, CRPF, आपकी जितनी भी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड टू पेट्रोलिंग सर्विसेज दे नीड, दिस इज़ द परफेक्ट व्हीकल फॉर देम। पुलिस सर्विसेज, एनी J&K पुलिस, एनी सर्विसेज कैन नीड, उड़ीसा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, दे ऑल नीड दिस टाइप ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स। और सर ये मैक्सिमम स्पीड कितना जा सकता है? मैक्सिमम स्पीड इसका देखिए आराम से 10 से 11 किलोमीटर जा सकता है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलिंग जो आपकी पर्पस होती है दैट इज समथिंग अराउंड 8 to 8 kilometers पे आप पेट्रोलिंग करते हो, आपको चेस करना इट कैन रीच अप टू 11, 12, 15 kilometers आल्सो इजीली। एक बार फुली चार्ज करने के बाद कितना कवर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? सर देखिए आपकी रिक्वायरमेंट पे जनरेट करता है, अदरवाइज इफ यू कैन से 6 kilometers इज एन एवरेज फॉर 6 hours, सो समथिंग 36 इज कमिंग, सो इट इज कमिंग 40 kilometers एवरेज इट इज। और ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, और काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी जगह मिलिट्री पर्पस हो या पुलिस का पर्पस हो, हर जगह आप यूज़ करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये इंडिया के अंदर अकेली हम ही हैं जो बनाते हैं इस टाइप का। अच्छा। और ये भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्हेन वी डील विद दिस पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट है, और हमें इस एक्सपो में दिखाने का मौका भी दिया गया क्योंकि हम चाहते थे कि ये नॉलेज सबको पहुंचे, और आप यूट्यूबर्स के थ्रू, आपके थ्रू एक नई जनरेशन को एक मैसेज भी जाना चाहिए कि एक्चुअली पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूटिलाइज करना, एक उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर क्या बोलना चाहेंगे जो दर्शक हैं हमारे, उनको आप अपने कंपनी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कंपनी 53 year old है ऑर्गेनाइजेशन है, और पैन इंडिया वर्क करती है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो हम लोगों को हर जगह से फीडबैक्स आते हैं कि आपको किस टाइप के नए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक अपनी पुलिस सर्विसेज को, आर्मी को, डिफेंस को, सबको एक सर्विस प्रोवाइड करने की तरफ हमारी पहल है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कॉन्सेप्ट्स हैं उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, और होप्स हो ये सक्सेसफुल भी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी जगह रिकमेंड भी किया जा रहा है, और इस एक्सपो में हमें बहुत अच्छा मतलब एक्सपोजर मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर।